हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शहाबुद्दीन, प्रोफेशनल ट्रेनर शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड से। फ्रेंड, आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी मशीन सीखनी चाहिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्प्ले में आप देख सकते हैं बहुत सारी मशीनें हैं, जिसमें से मोबाइल क्रेन है, जेसीबी है, एक्सकवेटर है, और टावर क्रेन है, फोरक्लिफ्ट है, ग्रेडर है, डोजर है, कार और डंपर है, हाइड्रा क्रेन है। अब हम बात करेंगे कि ये सब मशीनें जो है कहाँ कहाँ चलती है। सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर जो है आप डिफाइन कीजिए कि कौन सी मशीन आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल क्रेन की। तो मोबाइल क्रेन जो मशीन है वो चलता है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लाइन में, जैसे कि बड़ा बड़ा जो पुल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे भारी भरकम सामान को जो है उठा करके शिफ्ट करना, मोबाइल क्रेन का ये काम होता है। मोबाइल क्रेन बहुत टफ काम है और उसमें काफ़ी समय लग जाता है ऑपरेटर को, ठीक है, और एक सीखने के लिए बारीकी से। तो ये हो गया आपका मोबाइल क्रेन। एक दूसरे नंबर पे आता है जेसीबी। जेसीबी तो आप सबको ही जानते हैं कि कहीं भी आपको मिलेगा, गांव-गांव में, क्षेत्र में मिलेगा, शहर, सिटी, जंगल में, हर जगह पे जो है आपको जेसीबी मशीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को भी आप लोग जानते होंगे पोकलैंड के नाम से, वो भी मशीन आपको हर जगह में, हर क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये सब मशीनें आप बहुत ही ईजी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं भी आपको ये मशीन मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आता है टावर क्रेन, जो कि ये मशीन आपको अक्सर देखने को नहीं मिलता है। जब आप कोई शहर सिटी में जाते हैं जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, वहाँ पे जो है आपको ये टावर क्रेन मशीन दिखेगी, जो कि बिल्डिंग बनाने में काम आती है, मसाला हो गया या कोई भी सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए, ठीक है। पाँचवें नंबर पर आता है फोरक्लिफ्ट। फोरक्लिफ्ट का काम होता है कि एक कंपनी के अंदर में चलना, कंपनी के अंदर में कुछ सामान होता है, कोई प्रोडक्ट होता है जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे उसको जो है शिफ्ट करना होता है, उसको बोलते हैं फोर्क लिफ्ट, यानी कि एक सामान को फोर्क करके उसको लिफ्ट करना दूसरी जगह पे, ठीक है। छठे नंबर पे आता है ग्रेडर मशीन। ग्रेडर तो आप जानते होंगे जो कि रोड वगैरह काम करता है और एक लेवल का बिल्कुल वो काम करता है, जैसे ग्रेडर हमेशा जो है रोड लाइन में ही चलता है, तो ग्रेडर मशीन भी आप सीख सकते हैं। सातवें नंबर पे आता है डोजर मशीन। डोजर मशीन जो आपको हर जगह पे नहीं दिखेगा, लेकिन वो बड़े बड़े खदानों में, बड़े बड़े माइंस में जो है आपको ये डोजर मशीन दिखेगा, जो कि बड़ा बड़ा मिट्टी का ढीक लगा रहता है, किसी भी तरह का पत्थर का, कोयले का, उसको जो है डोजरिंग करना होता है, तो वो डोजर मशीन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आठवें नंबर पे आता है आपका कार और डंफर। आप कार डंफर भी जानते होंगे, अगर आप कार सीख जाएंगे तो कहीं भी जाके आप आराम से कार वगैरह चला सकते हैं। डंफर सीख जाएंगे तो डंफर हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी गाड़ी आप आसानी से चला सकते हैं। नौवें नंबर पे आता है हाइड्रा क्रेन। हाइड्रा क्रेन आप लोग मशीन जानते होंगे, जो कि छोटा मोटा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लिफ्ट करने के लिए, शिफ्ट करने, जैसे कि कोई गाड़ी हुए कोई उसको कट करना है तो उसको उठा करके दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, आप लोग हाइड्रा क्रेन तो आप लोग देखे होंगे। तो ये 9 तरह की मशीनें हैं। और एक और मेरे तरफ से स्पेशल है रिकमेंडेशन कि आप टेलर मशीन भी सीख सकते हैं, जो कि आगे पीछे बैक करना और आगे लंबा रूट में, उसका जो है डिमांड सऊदी अरब में और दुबई में और हर अलग अलग कंट्री में जो है बहुत ही बड़े लेवल पे उसका जो है डिमांड है उस ऑपरेटरों का, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट का जो है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ज़्यादा काम आता है, तो वहाँ पे जो है टेलर ऑपरेटर का ज़्यादा जो मांग होता है। तो अगर आप लोग टेलर सीखना चाहेंगे तो टेलर की आप लोग च्वाइस कर सकते हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि कौन कौन सी मशीन किस किस फील्ड में चलाई जाती है। अब आप डिफाइंड करें कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या सीखना है। अगर आप कन्फ्यूज हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं बहुत जल्द ही इसका वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन सी मशीन आप सीखना चाहिए आपको और कौन सी मशीन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कौन सी मशीन में ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। सभी मशीनें आसान है, आप जितनी भी मशीनें मैंने बताया सब तरह की मशीनें जो है चलाना आसान है, बस आपको उस मशीन को समझना है, उसको उसके लीवर फंक्शन को समझना है, बस उसके बाद वो काम आपके लिए आसान हो जाता है। तो बस इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सी मशीन आपको सीखना चाहिए। तो पहले अपना आप जो है क्लैरिटी करें कि मुझे कौन सी मशीन सीखना है। अगर नहीं हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी ना रहे, तो बहुत ही जल्दी इसका वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया। तो अगर आप लोगों में से कोई भी है जो जेसीबी सीखना चाहते हैं, स्पेशल जेसीबी, तो आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं, शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के सीख सकते हैं। 25,000 रुपये ट्रेनिंग की फीस होती है और एक महीने की ट्रेनिंग होती है, रूम खाना इसमें फ्री होता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। और जेसीबी नहीं बल्कि आप कोई भी मशीन सीखना चाहते हैं तो कॉल बिंदास कर सकते हैं। तो बस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।